हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ दीक्षा एंड आज मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके. तो आप जानना नहीं चाहोगे कि वो 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं और ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है. जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो है लैक्मे की सीसी क्रीम. आप कोशिश करो कि इसमें भी 2 शेड आते हैं आई थिंक, तो आप अपना ही शेड पिक करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके स्किन टोन से मैच करेगा वो उतना ज़्यादा रियल लगेगा. और वैसे भी कॉलेज गर्ल्स का मेकअप लुक है तो इसलिए आप कोशिश करो ये बहुत ही नेचुरल लगे. आप इसे अच्छे से टैप टैप करके पूरे फेस पे लगा लोगे. इसे अपनी आई लिड पे भी लगा लूँगी. एंड प्लीज़ अपने नेक एरिया को कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें. मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना नेचुरल लग रहा है, क्योंकि ये मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा था तो ये ब्लेंड होने में बहुत ही कम टाइम लेता है. नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आईब्रो पेंसिल. इसे मैंने किसी लोकल मार्केट से परचेज़ किया था और इसे मैंने अपने प्रोडक्ट्स में इसलिए भी रखा है बिकॉज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉलेज गोइंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेकअप परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं करना होता है. तो आप बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप यूज़ करो, इससे आप सीख भी जाओगे और आपका बजट भी मेंटेन रहे. मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है. एक्चुअली मेरी ब्रोज़ ब्लैक हैं सो इन्हें मैं ब्लैक से ही फिल करती हूँ. बहुत सारे लोग उसे लाइट ब्राउन शेड से और भी शेड से फिल करते हैं, बट मेरे को ब्लैक से ही फिल करना अच्छा लगता है. मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है. अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का लाइनर. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये मेरा फेवरेट स्टेप है. और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो को देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. मैंने अपनी लेफ्ट वाली आई में लाइनर लगा लिया है. सो मैंने अपनी दूसरी आँख में भी सेम लाइनर ड्रॉ कर लिया है और मैंने विंग वाला लाइनर नहीं ड्रॉ किया है, बिकॉज कई बार होता है कि आपको कॉलेज में बहुत ज़्यादा विंग वाला लाइनर नहीं अच्छा लगता, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल सा रखा है. नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है काजल. आई नो ये आपका भी फेवरेट स्टेप है और मेरा भी फेवरेट स्टेप है, तो मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की का आई लव यू टू काजल. ये मेरा फेवरेट काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है. मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. हम थोड़ा बोल्ड काजल ड्रॉ करेंगे बिकॉज कॉलेज लुक के लिए थोड़ा डार्क सा काजल अच्छा लगता है. आप देख सकते हो ये कितना डार्क होता है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही जल्दी डार्क होता है.
मेरा काजल फाइनली मेरा काजल लग गया है। मैंने अपनी दोनों आईज़ में काजल अच्छे से लगा लिया है। सो फाइनली मैंने अपनी दूसरी आँख में भी अच्छे से काजल को लगा लिया है। मैंने काफ़ी डार्क काजल लगाया है बिकॉज मुझे थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइलाइटर। सो हाइलाइटर मैं लगाऊंगी। हाइलाइटर के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास ब्रश हो। अगर आप बिगनर्स हो और आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी उंगलियों से भी लगा सकते हो अपनी चीक बोन्स पे। अपनी नोज पे थोड़ा सा अपना अपनी आईब्रोज के नीचे आईब्रोज को एनहेंस करने के लिए। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इन रीच लिप क्रेयॉन बिकॉज मेरे पास दिस इज़ द ओनली शेड जो मेरे पास लाइट कलर में है। मेरे पास सारे कलर्स अभी बहुत ही डार्क है बिकॉज अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है तो मैं ज़्यादातर रेड यूज़ करती हूँ, रेड या फिर और भी डार्क शेड्स। तो हम लिपस्टिक के लिए यूज़ करेंगे, इसका शेड है बेबी पिंक 08 बेबी पिंक जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। बहुत लाइट सा कलर है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा। एंड गाइज अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। एंड आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ या फिर आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट मुझे कौन सा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहिए या फिर कैसा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।